आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। ये नेट के लिए भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में भी ये मेंशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बर्ड्स की जो बॉडी होती है दैट इज स्पिंडल शेप बॉडी एंड विच इज स्ट्रीमलाइन। फिशेज में भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो वाटर को की रेजिस्टेंस कम करने के लिए होती है, और ये एयर के लिए रेजिस्टेंस कम करने के लिए स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, मिनिमम रेजिस्टेंट टू द विंड ड्यूरिंग फ्लाइट। कॉम्पैक्ट बॉडी, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग डोर्सली एंड हैवियर वेंट्रली। जो बॉडी होती है वो लाइट होती है और ऊपर से जो डोर्सल साइड होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, और हैवी जो होती है वो वेंट्रल साइड हैवी होती है। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग बैलेंस इन द एयर, द लो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। इसके अंदर फेदर्स ये पिक्यूलर फीचर होती है। द स्ट्रीमलाइन बॉडी इज ड्यू टू बैकवर्डली डायरेक्टली कंटूर फेदर्स। जो उसके जो फेदर्स होते हैं उनकी डायरेक्शंस वो टेल की तरफ होती है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है। इससे क्या होता है कि जब वो मूव करती है तो उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो फेदर्स होते हैं इसके अंदर एयर जो है वो फिल हो जाती है। इसके बार्ब्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो बार्ब्स बार्ब्यूल्स होते हैं, उसमें इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट मिलता है उसके अंदर। वो जब उसकी स्टडी करते हैं, टाइप स्टडी किसी बर्ड की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन फेदर्स जो है इंसुलेशन का काम करते हैं और बायोंसी भी प्रोवाइड करते हैं। बायोंसी इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसके अंदर इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और एयर स्पेसिस जो होते हैं वेदर के फेदर के अंदर वो उसे बायोट बना देते हैं बॉडी को। नेक मोबाइल होती है, बाइपेडल लोकोमोशन होता है। फोर लिम्स बीइंग मॉडिफाइड इनटू विंग्स, सो हाइंड लिम स्प्रिंग एंटीरियरली टू बैलेंस बॉडी एंड सपोर्ट बॉडी वेट। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, द विंग्स आर प्रोवाइडेड विद द स्पेशल फ्लाइट मसल्स। दो तरह की मसल्स मिलती हैं इसमें, पेक्टोरिस मेजर एंड पेक्टोरिस माइनर। जो विंग का एलिवेशन होता है वो मेनली होता है पेक्टोरिस माइनर से, और जो उसका डाउन स्ट्रोक होता है वो पेक्टोरिस मेजर करती है। पेक्टोरिस मेजर को इसलिए डिप्रेसर मसल्स कहा गया है और पेक्टोरिस माइनर को एलिवेटर मसल्स कहा गया है। द विंग्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल फ्लाइट मसल्स, विंग फेदर्स आर कॉल्ड एज रेवाइजेस, और टेल फेदर जो होते हैं वो रेक्टाइसिस होते हैं। ये इसकी जो एक फ्लाइट मतलब उसका फेदर्स का जो क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो टेल फेदर्स होते हैं ये जो होते हैं इनको रेक्टाइसिस बोलते हैं, और जो आर्म्स होते हैं फोर लिम्स के ऊपर ये रेमाइजिस होते हैं। टेल फेदर्स यूजली स्टीरिंग के काम आते हैं बॉडी को, और जो उसके मेन फेदर्स होते हैं वो उसको फ्लाइट के लिए काम आते हैं। शोर टेल होती है उसमें, रेक्टाइटिस हेल्प इन स्टीयरिंग द ड्यूरिंग फ्लाइट। मस्कुलर टेल होती है लेकिन शॉर्ट होती है उसमें। बीक, द कन्वर्जन ऑफ द फोर लिम्स इनटू विंग्स इज ड्यूली कंपनसेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बिल और बीक। कि जो इसका फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के अंदर, तो फोर लिम्स का जो काम करते हैं जैसे किसी फूड को कैप्चर करना या नेस्ट बिल्डिंग का जो काम करते हैं दूसरे एनिमल्स करते हैं वो फोर लिम्स से करते हैं, लेकिन इसके लिए बीक जो होती है दैट इज सप्लीमेंट ऑफ द फोर लिम्स। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बीक जो है वो किसके काम को परफॉर्म करती है, फोर लिम्स का जो काम है वो बीक परफॉर्म करती है। लार्ज फ्लाइट मसल्स, द बैक मसल्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड बट द फ्लाइट मसल्स ऑन द ब्रेस्ट आर ग्रेटली डेवलप्ड। 1/6 ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द बर्ड जो होता है वो उसके फ्लाइट मसल्स में होता है। पेक्टोरिस मेजर ये डिप्रेसर मसल्स होती हैं, पेक्टोरिस माइनर एलिवेटर मसल्स होती है। टेंडन्स ऑफ द पेक्टोरिस माइनर पासिस थ्रू द फोरामेन ट्रायोसियम, और फोरामेन ट्रायोसियम से निकलने के बाद ये ह्यूमरस के हेड पर इंसर्ट हो जाता है। तो इसलिए फोरामेन ट्रायोसियम जो है वो लीवर की तरह एक्ट करता है। ये नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें ये है, देखिए ये जो मसल्स है यहाँ पर ये फोरामेन जो पेक्टोरिस माइनर है, ये वाली मसल्स, ये पेक्टोरिस माइनर, ये अंदर वाली मसल्स है। पेक्टोरिस माइनस क्या होगी,
ये मसल्स जो है ये इस तरह से यहाँ पर ये मसल्स जो है ये यहाँ पर पेक्टोरिस माइनर जो है ये एलिवेटर की तरह से इसमें लीवर्स में से निकल रही है, और लीवर में से निकलने के बाद ये मसल्स ये यहाँ पर ह्यूमरस के हेड में इंसर्ट होती है। राइट, कील स्टर्नम है, कील स्टर्नम स्टम के ऊपर जो है पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस माइनर मसल्स यहाँ पर लगते हैं स्टर्नम के ऊपर। पर्चिंग जो होता है, पर्चिंग जब बर्ड किसी टहनी पर या किसी सबस्ट्रेट के साथ बैठती है तो उसका पूरा बॉडी वेट उसके जो लेग्स के ऊपर पड़ता है, और वो इतनी परफेक्ट ग्रिप बना देते हैं कि वो बर्ड जो स्लीपिंग स्टेज के अंदर और सिटिंग स्टेज के अंदर वो गिर नहीं सकती उसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज पर्चिंग। सो फॉर पर्चिंग मैकेनिज्म हाइंड लिम्ब्स मसल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हेल्प इन पर्चिंग। As the bird sits down on the tree, the bending of the legs exert a pull on the flexor tendons, which makes the toes automatically to flex and grip the perch. So the bird, while resting or sleeping, automatically clamped to its perch. जो next diagram है perching mechanism वाला, ये होता है कि gastrocnemius जो होती हैं, ये main muscles होती हैं। जैसे ही bird जो बैठेगी, उसका जो weight होगा, ये इसके इसके टेंडन जो है ये यहाँ पर ये लीवर की तरह काम करेगा और ये एकदम से क्लोज हो जाएंगे, ग्रिप बना लेंगे ये इसमें, और जो खोलने का काम करते हैं वो एक्सटेंशन मसल्स करते हैं। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में फ्यूजन ऑफ मसल्स, फ्यूजन ऑफ बोन सॉरी, ये एक पिक्यूलियर फीचर होता है इसका। Fusion of bones and hollow girdler principles combine strength with the lightness. Hollow girdler principle होता है कि bones जो होती हैं वो pneumatic होती हैं। इसके अंदर air sacs जो होते हैं उनका extension हो जाता है। Most of the bones are pneumatic and filled with air sacs instead of the bone marrow. Bone marrow नहीं मिलता उनके अंदर, bones के अंदर वो ज़्यादातर उसके अंदर air sacs होते हैं। Light fused skull bones, skull bone जो होती हैं वो light होती हैं और फ्यूज होंगी, वो ज्यादा लूज नहीं होती है। अनसीनेट प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक रिब्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग कॉम्पैक्टनेस नेसेसरी फॉर फ्लाइट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स। ये सिंसेक्रम होता है, देखो इसमें जितनी भी वर्टिब्रे होती हैं कॉलम की, ये क्या होती हैं, फ्यूज होकर के एक बहुत बड़ी एक वर्टिब्रे टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देती है। डोर्सली ये फ्यूज है और वेंट्रली ये आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देंगे। ये सिंसेक्रम ये पूरे बर्ड में मिलती है और बाकी एनिमल्स में सिंसेक्रम एब्सेंट होती है। सेंट्रम इसका हेट्रोसिलस होता है। द हेट्रोसिलस वर्टिब्रे गिव ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल बर्ड्स कैन मूव देयर नेक थ्रू 180 डिग्री ड्यूरिंग प्रीनिंग फेदर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फूड कलेक्शन। कि जो बर्ड होती है वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमा सकती है, और ये काम जब करती है वो अपने जो उसको फेदर्स को प्रीन करती है, ऑयल ग्लैंड होती है प्रीनिंग ग्लैंड, वहां पर वहां से ऑयल लेकर के वो विंग्स के ऊपर उसको लगाती है बर्ड्स, तो उसमें 180 डिग्री उसको गर्दन घुमाना पड़ता है। द फ्यूजन ऑफ पेल्विस विद सिंसेक्रम गिव्स फॉर्मनेस टू द लेग्स। लेग्स का जो फॉर्मनेस होता है वो सिंसेक्रम का फ्यूजन से होता है। एंड इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट व्हेन द बर्ड्स इज वॉकिंग and counteract the effect of the shock as the bird alight. The absence of the mid-ventral symphysis of the pubis and ischia help in more posterior displacement of the viscera. Viscera जो होते हैं वो posterior side में इसके खिसक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर mid-ventral symphysis pubis के और ischia जो pelvic girdle की bone होती हैं वो नहीं मिलती उसके अंदर। और ये क्या करता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका पोस्टीरियर हाइंड लेग की तरफ उसको शिफ्ट करने का काम ये करता है। तो एक बार क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया था कि कौन सी कॉज की वजह से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि वेंट्रल सिम्फाइसिस ऑफ पिबिस और इशिया नहीं मिलते, इसलिए जो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं विसरा ऑर्गन होते हैं वो पोस्टीरियर साइड में डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका लेग्स की तरफ पुल्ड हो जाता है।
Fused tarsometatarsus and tibiosarsus help to strengthen the legs for bipedal gait. तो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है बर्ड्स के जो एंडोस्केलेटन होता है उसमें फ्यूजन एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ मसल्स एंड मोस्ट ऑफ द मसल्स दीज आर न्यूमेटिक एयर सैक्स उसमें एंटर कर जाते हैं और वो उसको बायोंसी प्रोवाइड करते हैं. कील्ड स्टर्नम द ग्रेटली एक्सपेंडेड स्टर्नम बियर्स ए लार्ज मिड वेंट्रल रिच और कील. जो नॉन फ्लाइट मसल्स होती हैं बर्ड्स जैसे रेटाइटी ग्रुप है उसके अंदर ऑस्ट्रिच आता है जिसके अंदर फ्लाइटलेस मसल्स जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर स्टर्नम कील नहीं मिलती. बाकी जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उसके अंदर स्टर्नम कील होगी क्योंकि कील पर ही दोनों मसल्स जो हैं बेसिकली जो पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस माइनस वो लगती है. कॉम्पैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम द बर्ड्स हैव हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म सो डाइजेशन इज रैपिड. The food that is selected has a high calorie value. जो उसका food होता है उसमें बहुत ज़्यादा calorie होती है और उसके अंदर जो digestive waste जो होता है वो बहुत minimum होता है. तो इसलिए क्या होता है उसकी elementary canal जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती. Rectum उसमें small होता है और fecal matter भी उसमें ज़्यादा नहीं होता. Air sacs. Air sacs supplements the solid inelastic lung. क्योंकि इसके अंदर लंग्स जो होते हैं वो दो खास बातें हैं इसके लंग्स की. एक तो इसके लंग्स सॉलिड होते हैं एक्सपेंड नहीं हो सकते वो ज्यादा और दूसरा उसके अंदर रेजिडुअल एयर नहीं मिलती. ये दो चीज आप ध्यान रखिए इसमें जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और इसमें एयर सैक्स जो होते हैं वो इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं. द एवियन लंग्स आर कंप्लीटली एम्प्टीड विद ईच ब्रेथ विदाउट एनी रेजिडुअल एयर. और दूसरी खास बात यह है कि बर्ड जब फ्लाइट करती है तो वो ब्रीदिंग उसमें ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू रेस्टिंग बिकॉज उसके अंदर एयर सैक जो होते हैं वो काम करते हैं. ड्यूरिंग फ्लाइट द विंग्स मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू द रेस्पिरेशन बाय कंप्रेसिंग एंड डायलेटिंग द एयर सैक. जब बर्ड फ्लाई करती है तो उसके जो फेदर्स होते हैं वो एयर सैक्स को कंप्रेस और इसको वो करते हैं डायलेट करते हैं एंड दस द बर्ड ब्रीथ्स मोर इजिली ड्यूरिंग फ्लाइट देन द रेस्ट. ये इसके एयर सैक्स है. इसके अंदर इस पे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन से कितने पेयर्ड होते हैं क्योंकि इसमें एब्डोमिनल एयर सैक्स वो पेयर्ड होते हैं. पोस्टीरियर थोरेसिक एंटीरियर थोरेसिक ये पेयर्ड होता है और इसके अंदर ये सर्वाइकल एयर सैक्स ये पेयर्ड होते हैं और जो क्लेविकल एयर सैक होता है वो इसका वो नहीं होता. और क्लेविकल एयर सैक से जो ह्यूमरस जो होती है ये बॉडी वहां पर उसके अंदर वो एंट्री करके उसे न्यूमेटिक बनाती है. वार्म ब्लडेडनेस परफेक्ट एरेशन ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉडी टेम्परेचर. और हाई बॉडी टेम्परेचर 42-46 डिग्री सेल्सियस होता है इसका जबकि मैमल्स में 37 के आसपास होता है. और ये क्या होता है इतना हाई टेम्परेचर जो है उसका फ्लाइट के ड्यूरेशन में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए होता है और वो उसके लिए फेदर्स जो होते हैं वो इंसुलेशन का काम करते हैं ताकि बॉडी की हीट बढ़ ना जाए. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है सर्कुलेशन में क्या होता है कि 4 चैम्बर हार्ट होता है और ये बड़ा स्ट्रोंग हार्ट होता है इसका और इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम जो होता है वो बर्ड्स का होता है ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई उसको प्रॉपर मिल सके. यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन यूरिनरी ब्लैडर जो है बर्ड्स में एब्सेंट होता है. एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर. द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स रीअब्सॉर्ब एक्सक्रीटरी वाटर और फ्लूइड जो उसकी किडनी के क्या होता है यूरिनरी ट्यूब्यूल्स वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर नहीं मिलता और वो उसको और कुछ वाटर जो है क्लोएका में भी एब्सॉर्ब होता है. सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा chiefly containing the insoluble uric acid and urates. Large eyes and large optic lobes. अच्छा birds के अंदर क्या होता है nasal power ज्यादा नहीं होती है. Birds depends more on sight rather than smell. जबकि reptiles और most mammals जो होते हैं वो smell के ऊपर भी depend होते हैं. Eyes are large and large optic lobes correspond to the great development of the sight. Both eyes together are often heavier than the brain.
यदि दोनों आईज को देखें तो वो ब्रेन से ज्यादा हेवियर होते हैं. हाईली डेवलप्ड एंड कॉन्वोल्यूटेड सेरिबेलम हेल्प्स इन डेलिकेट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेरिबेलम इक्विलिब्रियम काम करता है तो फ्लाइट में इक्विलिब्रियम की बहुत जरूरत पड़ती है. तो इसमें कॉन्वोल्यूटेड सेरिबेलम जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. और जो सेरिबेलम के अंदर जो कॉर्पस स्ट्रेटा होता है वो भी काफी लार्ज होता है एंड इट एड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफेक्शन इन द फ्लाइट. तो सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं बर्ड्स के अंदर. ये इसका देखो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होते हैं कितने छोटे हैं, इसमें सेरिब्रल हेमिस लार्ज है. ऑप्टिक लोब्स जो ऑप्टिक बल्ब जो होते हैं ये भी इसमें काफी बड़े होते हैं, कॉम्पैक्ट है बिल्कुल. इसका कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है. सिंगल लेफ्ट ओवरी बिकॉज इट इज मेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ द वेट विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ. तो लेफ्ट ओवरी जो है वो प्रेजेंट रहती है, राइट ओवरी एब्सेंट होती है इसमें. तो ये फ्लाइट अडेप्टेशंस हैं बर्ड्स की. ये सिविल सर्विस के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पीसीएस में भी, नेट के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा बनता है. और ये इसके जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये सिलेबस में पॉइंट मेंशन है. तो होप कि आपको ये हेल्प करेगा. थैंक यू.